हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे द बीज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर्स। सो इस पोयम में लिखा है कि मधुमक्खियाँ अपना काम बहुत ही ज़्यादा मेहनत से करती हैं, उनको कोई भी टीच नहीं करता है, फिर भी वो लगी रहती हैं और वो हार्ड वर्क करती हैं। उनको ना नेचर सिखाता है कि काम कैसे करना है। जब मधुमक्खियाँ अपना काम करती हैं पूरे हार्ड वर्क से, तो वो लोगों को भी बताती हैं कि काम किस तरह से करना चाहिए। मधुमक्खियों के पास एक आर्ट होती है हनी निकालने की, तो वो उस कला को लेकर, उस आर्ट को लेकर हार्ड वर्क भी करती हैं और लोगों को सिखाती हैं कि आपका जो कला है उसमें भी आप हार्ड वर्क करो। अब इस पोयम में बताया है कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं ना, उनका भी एक किंगडम होता है, मतलब उनका भी एक इलाका होता है जिसमें उनका भी एक किंग होता है। वहाँ पर उस इलाके में एक किंग होता है और ऑफिसर्स होते हैं, और वहाँ पर सिविल ऑफिसर्स भी होते हैं जो कानून वगैरह बनाते हैं ना, वो भी वहाँ पर होते हैं। और मधुमक्खी के घर में ना जज भी होता है जो अपना फैसला सुनाता है, और वहाँ ढेर सारे मर्चेंट्स भी होते हैं, मतलब बिजनेसमैन जो वहाँ पे व्यापार करते हैं। कुछ मधुमक्खियाँ वहाँ ऐसी भी हैं जो न्यू प्रोजेक्ट्स भी लेती हैं। अब यहाँ पर लिखा है, जैसे सोल्जर के हाथ में गन होती है ना अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे ही मधुमक्खी के पास भी उसका डंक होता है अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए, औरों की भी प्रोटेक्शन करने के लिए, मतलब मधुमक्खी की जितने भी साथी होते हैं ना उनकी भी प्रोटेक्शन करने के लिए, तो उनके पास क्या होता है, डंक होता है। अब लिखा है कि गर्मियों के मौसम में जो कली होती है ना, और कली का जो ऊपर साइड होता है वो ना वेलवेट का होता है, और मधुमक्खियाँ आती हैं उस कली में बैठती हैं, और वो क्या करती हैं, वो जो वेलवेट जैसा कली होता है ना उसको लेकर जाती हैं और अपने लिए बूट बनाती हैं। बूट मतलब जैसे हम लोग पहनते हैं ना अपने पैरों में शूज वगैरह, तो उन लोग बनाते हैं अपने लिए। मधुमक्खियाँ ना ये सारी चीज़ें कलेक्ट करती हैं और अपने रस में लेकर आती हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसी मधुमक्खियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती हैं, मतलब उनका जो काम है ना, जो कुछ मधुमक्खियाँ बिजी रहती हैं वो ना हर जगह छानबीन करती हैं, जासूसी करती हैं, इसलिए कुछ मधुमक्खियाँ बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती हैं। यहाँ पर कुछ मधुमक्खियाँ ऐसी भी हैं जो अपने में ही लगी रहती हैं, मतलब गाना गाती रहती हैं और रूफ को बनाती हैं गोल्डन कलर का, ठीक है। मधुमक्खियाँ जब हनी को लेके आती हैं तो वो अच्छी तरीके से हनी को मिक्स करती हैं। जब भी मधुमक्खियाँ कोई भी सामान लेके आती हैं अपने साथ और अपने इलाके में, अपने किंगडम में एंटर करती हैं, तो वहाँ पर ना एक मैकेनिक होता है जो रोक लेता है हर एक मधुमक्खियों को, और वो बोलता है कि यहाँ पर एक एक करके आओ, क्योंकि अगर तुम लोग सारे लोग एक साथ आ जाओगे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाएगा, वेट हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए वो मधुमक्खियों को रोक लेता है और बोलता है कि एक एक करके अंदर आओ। अब वहाँ पर मधुमक्खियों के इलाके में जो वहाँ का फैसला सुनाता है, उसकी आंखों में ना हमेशा गुस्सा रहता है और उसकी आंखों में एक सैडनेस दिखती है फैसला सुनाते टाइम, मतलब उसका दिमाग एकदम हाई रहता है गुस्से से। जो मधुमक्खियाँ अच्छा काम नहीं करती ना, उसे ये जज निकाल देता है, मतलब बाहर फेंक देता है, निकाल देता है। सो यहीं पे ये पोयम फिनिश होती है। इस पोयम में बताया गया है कि कैसे मधुमक्खियों का भी एक किंगडम होता है और मधुमक्खियाँ कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं। सो आई होप कि आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।